कराची में आज से बुध तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। मॉनसून का मौजूदा सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। थरपारकर, उमरकोट और हैदराबाद समेत सिंध के दीगर अजला में बारिश की पेशगोई। आज बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर में मजीद तेज बारिश का इम्कान। रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल। पिंडाल के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जमात इस्लामी की आज हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत ने गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान सुबह 11:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर इत्तला'आत अता ताडर ने आवाम को रिलीफ देने का इंदिया दे दिया। कहा आज के मुज़ाकरात में टेक्निकल कमेटी भी शरीक होगी। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का इनकार, कहते हैं IPPs के मुआहदे किसी सूरत तब्दील नहीं किए जाएंगे। IPP से मुआहदे भी इतने ही अहम हैं जितना CPEC से मुआहदा। जिला कुरम में जमीन के तनाजे पर तसादुम, झड़पें छठे रोज भी जारी। मजीद 8 अफराद जहां बहाग, तादाद 42 हो गई। 170 अफराद जख्मी हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज फरीकैन ने सीज फायर किया था, तहम रात गए दोनों जानब से फिर फायरिंग शुरू कर दी गई। कंदकोट में खरड़ो नहर में 20 फुट चौड़ा शगाव, पानी आबादी के एतराब बढ़ने लगा। गांव कासिम शाह के डूबने का खतरा। आवाम के मुताबिक इत्तला के बावजूद महकमा नहर का अमला ताहाल नहीं पहुंचा। सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के कयाम के लिए कैनेडा में रेफरेंडम। रेफरेंडम रुकवाने के लिए भारत की तमाम कोशिशें नाकाम। लाखों सिख वोट डालने के लिए घरों से निकल आए। कैलिगरी और अल्बर्टा में पोलिंग स्टेशन पर सिखों की लंबी लंबी कतारें लग गई। और पेरिस ओलंपिक्स में मजीद 13 गोल्ड मेडल्स का फैसला हो गया। जापान 4 गोल्ड मेडल्स समेत मजमूई तौर पर 7 तमगों के साथ सरफहरिस्त। ऑस्ट्रेलिया के भी 4 गोल्ड मेडल्स, फ्रांस, चीन और कोरिया ने 3-3 सोने के तमगे हासिल कर लिए। मुख्तलिफ मुकाबलों में एथलीट्स ने गोल्ड मेडल्स जीते हैं।